Hello students, this is Neeraj Gupta. Today we are continuing with our discussion about Indian economics, the Indian economy on the eve of independence, chapter 1. In the previous videos, we have discussed basically the status of agriculture. Indian agriculture was very, I will say, in a very bad shape. मोस्टली जो लेबर थे वो लैंडलेस लेबरर्स बन चुके थे, ज़मींदारी सिस्टम आ चुका था. प्रीवियस वीडियो में ही हमने ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा. तो कुल मिला के सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी. तो हमने मोरलेस अपना डिस्कशन कंक्लूड किया था कि जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड है, स्टेग्नेट हो गया था, क्योंकि ज़मींदार पैसा लगा नहीं रहे थे और लेबरर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं थे. उनके पास ना पैसे थे ना उनको इन्वेस्ट करने का मन करता था, क्योंकि दे फील देमसेल्फ एज टेम्परेरी. उनको लगता था कभी भी हमारा एविक्शन हो सकता है, तो बेटर है कि अपनी जो फिलहाल जिंदगी है उसको जिया जाए. राइट. अब दूसरा फैक्टर और क्या था? एक फैक्टर तो ये था ही था कि ज़मींदारी सिस्टम थी, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द ब्रिटिश राज आया उसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गया. सवाल ये उठता है कि और दूसरा फैक्टर क्या था? तो दूसरा फैक्टर है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एक्चुअली पहले जो हमारे किसान थे वो ज़्यादातर वो चीज़ें उगाते थे, ग्रो करते थे जो वो खुद खा सकते थे. तो उससे कम से कम अगर कुछ ना बिके, कुछ ना हो, कोई आ ना पाए. पुराने ज़माने में देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, अच्छी रोड्स नहीं थी, तो जो चीज़ जहाँ उग रही है उसको वहीं कंज्यूम कर लिया, तो एटलीस्ट वो जिंदा तो रहते थे, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं थी. लेकिन अब क्या हुआ? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शियलाइजेशन का मतलब जो वो ग्रो कर रहे हैं उसको बेचा जाने लगा. अब वो मनी सिस्टम आ गया, बार्टर वाला सिस्टम खत्म हो गया और मनी एक्सचेंज वैल्यू के फॉर्म में आ गई. इसके अपने ग्रेट एडवांटेजेस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई ख़राब चीज़ थी, लेकिन इसका जो हमारे पुअर फार्मर्स थे उन पर एक तरह से बैड इम्पैक्ट ही पड़ा. अब वो बैड इम्पैक्ट ही हम इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं. तो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन का हम क्या मतलब होगा? शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट. दैट वाज द पॉइंट कि जो वो पहले अपने लिए कर रहे थे, अब वो कल्टीवेशन जो है वो मार्केट के लिए कर रहे हैं. और उसमें भी क्या हुआ, उनको ऑलमोस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्स किया गया दैट दे डू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, नील का पौधा. यानी उस समय जहाँ वो शायद राइस, वीट या और अपने डेली रूटीन की कंजम्पशन की चीज़ें ग्रो कर रहे थे, अब उनको बोला गया कि आप नील के पौधे की खेती करो. जब मैंने थोड़ा सा गूगल किया इसके लिए आप लोगों के लिए, तो कुछ इस तरह की पिक्चर सामने आई. कुछ इस तरह का ये पौधा शायद होता है, नील का पौधा. इसकी जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी गई. अब सवाल ये उठता है क्यों? बिकॉज इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो ब्रिटेन में उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको इसकी जरूरत थी. किस लिए? फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल. फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल के लिए क्योंकि उनको जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बोला कि आप ये नील का पौधा, द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो स्टार्ट करें. सो कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो उन्होंने करना शुरू किया. और फार्मर्स को कैसे उन्होंने इनडायरेक्टली फोर्स किया? इधर देवर लियोड. लियोड का मतलब होता है लालच देना. उनको कुछ लालच दिया कि भाई हम तुमको ज़्यादा पैसा देंगे, इसमें तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जैसा ना बहला फुसला कर. अब आप देखिए रिसेंटली कुछ स्टेट्स में कंट्री के आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? बेसिकली उन चीज़ों की खेती हो रही है या बाहर से आ रहा है, तो वो उनको बहला फुसला कर उस चीज़ में एंगेज कर रहे हैं. तो कई बार लोगों को मिसगाइड भी किया जाता है. ये प्रॉब्लम हमेशा होती है. जो ये लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, कई बार इनमें से कुछ लोग इतने पढ़े लिखे समझदार नहीं होते, सिंपल लोग होते हैं, अपने जीवन जी रहे हैं. ऐसे में उनको कोई आके बहला फुसला दे तो देवर लियोड, या समटाइम दे आल्सो फोर्स्ड कि भाई करना ही पड़ेगा, है ना, टू एक्सेप्ट द एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ. मतलब उनको पहले से पैसे दे के एक तरह से फंसाया गया कि दैट नाउ दे हैव टू डू दिस, दे डू नॉट हैव मच चॉइस, नाउ दे हैव टू डू इट. उस तरह की एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी गई. अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुई, अब उनको अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट फेस करनी है, क्योंकि जब आप एक चीज़ कमर्शलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, आप एक चीज़ बेचने के लिए कर रहे हैं, तो अब आपको पता नहीं है कि आपकी बनाई हुई चीज़ बिकेगी कि नहीं. पहले तो क्या था, बिके या ना बिके कम से कम वो सेल्फ कंज्यूम तो कर लेंगे, परिवार भूखा तो नहीं मरेगा. लेकिन अब तो ये समस्या खड़ी हो गई कि अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट सामने आ गई. सो नाउ अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट वर एप्लीकेबल. पहले फार्मर्स अपनी फैमिली के लिए ग्रो कर रहे थे, बट नाउ दे नीड कैश कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, क्योंकि वो अब नील का पौधा तो खा नहीं लेंगे ना, तो उनको बेचना ही पड़ेगा. बेचने के बाद उनको पैसा अगर नहीं मिलेगा, अगर उसमें कोई डिले हो जाएगी, तो उनको उधार लेकर रोटी खानी होगी. एंड दिस
लैक ऑफ कैश लेड टू इनडेटेडनेस, यहीं से तो उधारी शुरू हुई। और फिर बाद में क्या होता था, जब उधारी वो वापस नहीं कर पाते थे तो उनकी जमीन का टुकड़ा छीन जाता था, है ना, या उनको आत्महत्याएं करनी पड़ती थी, या जो भी ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस एंड क्राइम्स वर देयर। तो वो इसीलिए होता था क्योंकि उधार ले लेते थे, चुकाने के लिए पैसा नहीं है, कितनी प्रॉब्लम्स है। सो इससे क्या हुआ, जो बैकवर्ड एंड स्टेग्नेशन थी वो और बढ़ी, बजाय कम होने के, जो बैकवर्ड एंड स्टेग्नेशन की स्टेज थी वो इससे और फ्यूल अप हुई, कम होने की बजाय ये और बढ़ गई। अब अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन पे, कि भाई इसका पार्टीशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, पार्टीशन ने तो हमारी कंट्री के हर हिस्से को ही हिलाया, मैं ये कहूँगा। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए आई शुड नॉट टॉक मच अबाउट पार्टीशन, बट जितना मैंने आज तक सुना है, हर एक फिल्म में, आर्टिकल में, किसी भी एरिया में पार्टीशन को हमेशा एक ब्लैक फेज ऑफ द इकोनॉमी, ब्लैक फेज ऑफ द कंट्री ही माना जाएगा। एक तरह से घर में बंटवारा हो गया, टुकड़े हो गए देश के, पाकिस्तान बन गया, आज तक उसकी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। वहाँ के लोग हमें ज़बरदस्ती का, भाई हैं सारे लोग, फिर भी एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। टेररिज्म की प्रॉब्लम खड़ी हुई, अगर ये पार्टीशन ना होता तो शायद बेटर ही रहता, मैं तो यही सोचता हूँ। अब अगर हम देखें पार्टीशन पे एग्रीकल्चर के एंगल से कि भी क्या इम्पैक्ट पड़ा, सो द पार्टीशन ऑफ कंट्री हैड ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर। पहले एग्रीकल्चर में सारा नेगेटिविटी है, ऊपर से और एक पार्टीशन और हो गया। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि इंडिया को 82% ऑफ पॉपुलेशन मिली, यानी उस समय जो देश की जनसंख्या थी उसका 82% इंडिया के हिस्से आया और 18% पाकिस्तान में गया, जबकि जो फूड ग्रेन एरिया था वो इंडिया को मिला 65 और पाकिस्तान के पास गया 35। तो यानी कि एक तरह से उनको 18% पॉपुलेशन को फीड करने के लिए 35% एरिया मिला, डबल। तो शुरू में तो एक ऐसा देखा जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, जबकि इंडिया को शॉर्टेज हो गई। 82% पॉपुलेशन को फीड करने के लिए 65% अगर आपके पास आउटपुट रह जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक सिचुएशन, करोड़ों की कंट्री, इतना बड़ा हिंदुस्तान, कितना बड़ा फूड क्राइसिस उस समय क्रिएट हो गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध, ये दो एरियाज जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए, जो कि बहुत बड़े एक तरह से वीट ग्रोइंग के हमारे सेंटर्स थे। सो रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू द पाकिस्तान एंड दिस एग्रवेटेड में बढ़ा दी और इंक्रीज कर दी द फूड क्राइसिस इन द कंट्री। इससे जो हमारे फूड क्राइसिस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, राइट? मैंने गूगल किया तो मुझे कुछ पुराने मैप्स नज़र आए जिनसे हम अंदाज़ा लगा पाए कि इंडिपेंडेंस के टाइम क्या सिचुएशन थी। तो आप लेफ्ट वाला मैप देखेंगे तो यहाँ पर ये पंजाब आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये बीच में फैला हुआ है, तो इसमें से कुछ हिस्सा अब इंडिया में है और कुछ पाकिस्तान में है, और ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ सिंध है। तो इन्हीं एरियाज़ की हम अभी पिछले पेज में बात कर रहे थे कि वेस्ट पंजाब एंड सिंध दे वेंट टू द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को मिल गया और ये हमारे लिए रिच फूड ग्रेन एरियाज़ थे। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ इस तरह से ये सिचुएशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये एरियाज़ पाकिस्तान में निकल गए और ये जो थोड़ा सा वो बॉर्डर के समय जो है वो यहाँ से मुस्लिम्स वहाँ गए, वहाँ से हिंदूज इधर आए, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। और इधर जो ये जो बांग्लादेश बन गया बाद में, ये उन एरियाज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ इस तरह का था। ये आपके एग्जाम के लिए रटने वाला या याद करने वाला एरिया नहीं, जस्ट एक पार्टीशन की बात आई, पंजाब एंड सिंध उधर चला गया उसकी बात आई, तो मैंने कुछ एक मैप्स वगैरह गूगल करके फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आपके साथ शेयर करूं। तो बस ये इतनी ही इंटेंशन थी। नाउ अब एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि भाई अगर एग्रीकल्चर इतना ही ख़राब था, उसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी जिंदा रहने के लिए, या अब इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था, अगर इतनी प्रॉब्लम्स थी तो हमारे फार्मर्स जो है वो इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हुए, या टर्शरी सेक्टर सर्विसेज की तरफ, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, या दूसरे सेक्टर्स में क्यों नहीं गए? तो उसका एक बहुत बड़ा जवाब है लैक ऑफ जॉब्स। भाई चले तो जाएँ, लेकिन अगर कहीं बाहर कोई रास्ता दिखे तो जाएँ ना। सपोज आज कोई किसान ये सोचे कि भाई आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस एग्रीकल्चर वर्क, तो उसके पास कम से कम ऑप्शन तो है, वो शहरों में आ जाए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं जहाँ ऑलमोस्ट हर जगह जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है। सर्विस सेक्टर के अंदर इतने हैं, मैं कहता हूँ आज दिल्ली में कितने भी लोग आ जाएँ, पिज़्ज़ा की डिलीवरी ही नहीं पूरी कर पाएंगे। और अब तो इतनी होम डिलीवरीज के अंदर ये ऑनलाइन जो शुरू हो गए हैं, तो यानी कि अगर एक आदमी काम करना चाहे, बेशक उसको लो सैलरी मिलेगी, लेकिन इतनी लो भी नहीं होती, उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म्स मिलती हैं और सब कुछ रहता है, कुछ तो है। वर्किंग कंडीशंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट काम तो लोग कर रहे हैं, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। तो वो सिचुएशंस उस जमाने में नहीं थी। उस जमाने में कौन सा पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहे थे, उस जमाने में कौन सा ऑनलाइन
थे या बड़े बड़े मॉल्स में जो आज की तारीख में जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था. सो लैक ऑफ जॉब आउटसाइड द एग्रीकल्चर भी लोगों को फोर्स कर रहा था कि उनको एग्रीकल्चर में ही रहना है, वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे उससे. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जिसकी वजह से फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही टिके हुए थे. दे कंटिन्यू टू स्टे इन द एग्रीकल्चर ओइंग टू द लैक ऑफ जॉब्स आउटसाइड, राइट. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे प्री ब्रिटिश पीरियड की. देखिए, जहाँ तक प्री ब्रिटिश पीरियड का सवाल है, इट वॉज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज. प्री ब्रिटिश पीरियड बेटर था. वैसे उस समय भी ये माना जाता है कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन कुछ एंगल से हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं वो प्री ब्रिटिश इरा को बेटर मानती हैं, क्योंकि वो यहाँ राज करने के लिए आए थे. ब्रिटिशर्स का मेन एम जो बुक्स से पढ़ के समझ में आता है वो है एक्सप्लॉयटेशन. उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट किया, ग्रो नहीं होने दिया, जबकि जो पुराने किंग्स थे वो कंट्री को डेवलप भी करते थे अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं विलेज कम्युनिटीज़ की, तो उस समय उसमें फार्मर्स एंड फंक्शनरीज थे. फार्मर्स तो वही हो गए जो क्रॉप फार्मिंग और कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, राइट. लेकिन जो फंक्शनरीज थे उसके अंदर क्या, वो एसेंशियल सर्विसेज देते थे, जैसे ब्लैक स्मिथ्स, है ना, गोल्ड स्मिथ, ये हो गए लोहार, गोल्ड स्मिथ हो गया सुनार, वॉशरमैन, धोबी, शू मेकर, मूची. तो इस तरह से लोग अलग अलग सर्विसेज दिया करते थे और सबको सब कुछ मिल जाता है. जमींदार नहीं थे, जो भी टैक्स देना है, ये बहुत बड़ी बात है कि लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली किंग को जाया करता था. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो उस समय का टैक्स था वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाया करता था. बता रहे समझे, लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द किंग. ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ प्री ब्रिटिश पीरियड की, यानी ब्रिटिश से पहले जो मुस्लिम्स का राज या कुछ इंडिपेंडेंट भी चल रहा था, कुछ हिस्से मुस्लिम्स ने जीत लिए थे, कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर राजपुताना की तरफ जो है वहाँ पर इंडियन रूलर्स अभी पुराने ट्रेडिशनल ही चले आ रहे थे, तो वहाँ पर जो किसान थे वो डायरेक्टली किंग को टैक्स दिया करते थे और वो उनकी समृद्धि के लिए काम किया करता था. तो वो इरा इससे बेटर था. इस एरिया में तो जो जमींदारी सिस्टम आया उसने तो पूरा निचोड़ के रख दिया हमारे फार्मर्स को, क्योंकि वो जितना भी टैक्स था वो जमींदारों को मिलता था और जमींदार उसमें से कुछ हिस्सा एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे और उससे उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, जो मर्जी बदमाशी करो. तो वो जो ट्री पैट्रिएट सिस्टम क्रिएट किया, तीन लोगों का सिस्टम जो क्रिएट किया ब्रिटिशर्स ने, वो उनके लिए तो फायदेमंद था, लेकिन हमारे को वो पूरी तरह से हिला के चला गया. पुरानी अगर हम बात करें जो रूरल इंडिया की लाइफ थी, उसमें प्रोस्पैरिटी और स्टेबिलिटी थी. प्रोस्पैरिटी मतलब समृद्धि. उस समय देश बहुत, जिसको बोलते हैं ना सोने की चिड़िया, वो उस समय था. पुराने जमाने में ब्रिटिशर्स के राज में बहुत नोचा गया और स्टेबल था, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी. एक फ्रेंच ट्रैवलर हैं, मैंने उनके बारे में पिक्चर ही ढूंढी तो ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला. ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 to 1668 की लिखा है फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में, कि उन्होंने ये कमेंट किया था कि जो हमारा बंगाल है वो रिचर देन इजिप्ट था. तो कहने का मतलब ये है कि लोगों की ऑब्जर्वेशन अबाउट द कंट्री ये थी कि इंडिया इज़ अ वेरी रिच नेशन. यहाँ पर बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, सभ्यता थी, धर्म था, और उस समय ये काफ़ी अच्छा चल रहा था और उस वजह से लोग आपस में काफ़ी जुड़े हुए थे. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल वाला भी खेल खेला, भाइयों को भाइयों से लड़वाया. ये हिंदू मुस्लिम कंसेप्ट उन्होंने डेवलप कर दिए, पहले तो सब इकट्ठे चल ही रहे थे ना. तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोस्पैरिटी और स्टेबिलिटी थी प्री ब्रिटिश इरा में, यानी मुस्लिम्स और उससे पहले तो इंडियन रूलर्स थे ही, तो वो इरा इससे कंपेरेटिवली बेटर था, स्पेशली फ्रॉम द एंगल ऑफ एग्रीकल्चर. क्योंकि जैसे मैंने कहा, क्योंकि टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाता था, डायरेक्टली किंग ही गवर्नमेंट हुआ करती थी पहले. तो वो फिर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर के लिए जो भी उस समय के हिसाब से कुएं बनवाना, नहर बनवाना, जो भी जो उनसे हो पाता था, वो उस समय जो है फार्मर्स को हेल्प किया करते थे और एक एक रिस्पेक्ट की लाइफ थी. और जैसे मैंने कहा विलेज कम्युनिटीज़ थी जिसमें सब लोग मिलके रह रहे हैं, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, बार्टर सिस्टम था, लेकिन इट वॉज गोइंग ऑन स्मूथ. ऐसा हमारी बुक्स में मिलता है. तो अगर आपके एग्जाम में कुछ प्री ब्रिटिश इरा के बारे में आए तो उनमें से कुछ पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. चलिए, खैर, अब हम लास्ट में इस वीडियो के बस डिस्कस करेंगे एक दो स्लाइड्स में अबाउट द फैमिन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. बहुत, ये फैमिन्स मीन्स अकाल, सूखा. इसमें क्या होता था, पुराने ज़माने में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो थे नहीं कि भाई अगर हमें पता भी चल जाए, पहली बार तो पता कैसे चलेगा, उस ज़माने में कौन सा रोज़ न्यूज़पेपर आ रहा है या व्हाट्सएप फेसबुक होती थी, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ सूखा पड़ गया, किस राज्य में दूर दूर तक बारिश नहीं हुई, लोग भूख के मारे मर रहे हैं, कहाँ जाएँ, ज़्यादा जाने का रास्ता भी नहीं. अगर एक माना बैलगाड़ी दे दी जाए और आपको पता हो जाना है, कहाँ जाएँ, जहाँ तक जा रहे हैं सूखा ही सूखा, तो बेटर अपने घर पर रहो,
और बाहर जाके भी वहाँ पे कौन सा कहीं कोई रहने के लिए जगह मिल जाएगी या कोई काम मिल जाएगा, आप कितना अपने साथ समेट के ले जा सकते हो, धन है नहीं, माना बार्टर सिस्टम है, इमेजिन कीजिए एक लाइफ बार्टर सिस्टम है, तो दैट मीन्स आप अपने साथ कितने बोरी अनाज के ले जाओगे, वो कितने दिन चलेगी, 15 दिन, महीना। यही रीज़न था कि लोग भूख से ही मर जाते थे, खाने के लिए है ही नहीं कुछ, क्या करोगे एक लिमिट के बाद। तो यही बताया जा रहा है कि उस समय टेरिबल फेमिन्स ने जो है इंडिया को परेशान किया, 1760 से 1943, ये ब्रिटिश इरा है, ब्रिटिश इरा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है एक ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा लोग मरे थे 1769 से 70 में, ये एक तरह से स्टार्टिंग फेज ऑफ द ब्रिटिश इरा था। 85 मिलियन पीपल जैसा कि डेटा बता रहा है कि मरे हैं, और ये एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने नज़र आ रही है। स्टैटिस्टिक्स में भी जब हम पढ़ेंगे तब इस बात को डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देख सकते हैं एक स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहा है, हज़ारों साल का ये इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है कि कितने जो है बिफोर ब्रिटिश रूल, आप इसमें देखेंगे तो ईयर 1000 से 1745, ये प्री ब्रिटिश इरा है, तो फैमिन्स हैं लेकिन कम हैं। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, रादर वो इम्प्रूव होना चाहिए था, वो तो एडवांस कंट्री से आए थे, उनके पास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी, लेटेस्ट नॉलेज थी, टेक्नोलॉजीज थी, लेकिन उस समय उल्टा। अब ये वाला फेज देखिए, मैं तो हैरान हूँ उसको पढ़ के, 1875 से 1900 इस फेज में 18 फैमिन्स हैं, और डेथ्स जो मिलियंस में हैं 26 मिलियन, 2.5 करोड़ लोग सिर्फ भूख से मर गए, अमेजिंग। और ब्रिटिशर्स को आए हुए 100 साल हो चुके थे, 1875 ब्रिटिश इरा, 1770 1770 से स्टार्ट हुआ है, और ये फेज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये 100 साल ब्रिटिशर्स को आए, 100 साल हो चुके थे, वो समझ चुके थे इंडिया को, यहाँ उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बना लिए थे, सब कुछ कर लिया था। मैं बच्चों को जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने उनको कहा याद करो कि 1857 में तो झांसी की रानी ने रिवोल्ट किया था, ये उसके भी बाद का फेज़ है, यानी उस समय तक ब्रिटिशर्स अपने आप को अलार्म भी कर चुके थे, सब कुछ था, फिर भी 18 फेमिन्स ने इंडिया को अटैक किया, मीन्स वो कुछ नहीं कर पाए, काल होता था, मर रहे हैं लोग, मरने दो, कुछ वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, और 26 मिलियन डेथ्स, अमेजिंग। क्योंकि जो शुरुआत का अगर हम देखें जो ज़्यादा फेमिन्स में जो डेथ नज़र आ रही है वो दो ही एरियाज़ में नज़र आ रही है, एक 75 टू 1900 में और एक 1770 टू 1800। यहाँ पर ब्रिटिश इरा दिखा रहा है 1770 से शुरू हुआ और तभी फेमिन्स हुए। चलो एक टाइम मैं ये मानूं कि तब तो वो नए नए आए थे, इतने ज़्यादा वो कंट्री को हेल्प नहीं कर सकते थे, आफ्टरऑल अगर हम किसी एम्प्लॉय से भी काम कराते हैं, हम उसको यूज़ भी करते हैं तो उसको मरने के लिए तो नहीं छोड़ देते। बट जो इसमें समझ में आ रहा है कि बड़ी बुरी हालत थी ब्रिटिशर्स में, और ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ के हमें ये भी क्लियर होता है कि कुछ लोगों के मुंह से मैंने समटाइम सुना है कि अरे जो इस समय आज़ादी चल रही है इससे तो ब्रिटिशर्स का राज अच्छा था। क्या अच्छा था, उनको कुछ पता ही नहीं है कि ब्रिटिशर्स का राज कितना ख़राब था, कितना एक्सप्लॉइट किया उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हमारे एग्रीकल्चर को कितना बैकवर्ड किया, कितनी उस समय जो है बीमारियाँ और ये सब की वजह से कितनी डेथ्स होती थी। वो स्टैटिस्टिक्स, वो डेटा उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, वो ऐसे हवा में बोलते या सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स के राज का बहुत अच्छा था जी, उस समय तो कोई भी सोना पहन के घर से बाहर निकल जाता था, शायद मे बी लॉ एंड ऑर्डर आज से बेटर रहा होगा। बट खैर मैं तो नेचुरली, मेरी तो एज इतनी नहीं है कि मैंने ब्रिटिश इरा खुद अपनी आंखों से देखा हो, और मेरे फादर की भी जो बर्थ है वो इंडिपेंडेंस के बाद की है, तो उनसे भी अगर मैं फेस टू फेस डिस्कशन करता हूँ तो ही कैन नॉट टेल मच अबाउट, बट जो सुना हुआ होता है या कुछ लोगों से, पुराने लोगों के मुँह से जो सुना है वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया मुझे ऐसा लगता है सिवाय लूटने के, और यही है कि ये डेटा जो है वो रिवील कर रहा है, और इन सब की वजह से ही इंडियन एग्रीकल्चर एकदम बैकवर्ड। हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या था कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर आखिर इतना बैकवर्ड और स्टेग्नेट क्यों रहा, बार बार फेमिन्स, बार बार जो अकाल, ये सूखे पड़ते थे, कंट्री ग्रो कहाँ से होगी, कोई काम होने नहीं देना, हर समय लोगों को यही चिंता कि भाई किसी तरह से अनाज स्टोर कर लो यार, कल को फिर से सूखा पड़ गया तो हम क्या खाएंगे, कैसे मरेंगे। कोई भी आदमी अपनी बीवी बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ तो करता ही है ना। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने हमारी कंट्री को, इंडिया को कभी प्रोग्रेस नहीं करने दी, इन्हीं चीज़ों पर दिमाग एक तरह से उलझा रहा और इन्हीं समस्याओं से आगे नहीं निकल पाए, राइट। जहाँ तक इंडस्ट्रियल सेक्टर का सवाल है, इसके बारे में हम डिस्कशन इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, और इसको ध्यान से आप वीडियोस को देखिए। और मैं आपको फिर से ये चीज़ याद दिला दूँ कि जो असाइनमेंट्स हैं, जिन असाइनमेंट्स की हेल्प से ये PPTs बनाई गई हैं, वो असाइनमेंट्स भी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, nishulkshiksha.com पे, हमारी वेबसाइट ngpeducation.com पे ये सारे असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको प्रिंट कर सकते हैं, उससे आपको पढ़ने में और भी आसानी होगी, वीडियोस को देख के जो आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो आपको और इजी रहेगा। थैंक यू।